थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कौन सी कंडीशंस है वो कंटीजियस है जिनको वबाई या छूत कहा जाता है, या एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने वाली जो कंडीशन होती है उनको कंटेजियस कहा जाता है। कौन कौन सी आम बीमारियां जो कंटेजियस है इन्हें एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से लग सकती है। इनमें से रिसेंटली डिस्कवर होने वाली कंडीशन जिसको COVID-19 कहा जाता है। नेक्स्ट है नोरो वायरस जिसको स्टमक फ्लू भी कहा जाता है, इंसान के पेट में पैदा होने वाली एक कंडीशन है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को आम जुबान में फ्लू भी कहा जाता है, मेजल्स को आम कहा जाता है। मेनिंजाइटिस ये इंसान की प्रोटेक्टिव जो मेम्ब्रेन होती है जो कि इंसान के दिमाग और इंसान की रीढ़ की हड्डी के पास होती है, इन दोनों हिस्सों के मेम्ब्रेन के अंदर पैदा होने वाला इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है और ये कंटेजियस होती है। ये कंडीशन काफी सीरियस हो सकती है अगर इसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए। नेक्स्ट जो कंडीशन है हाथ पाँव और मुंह में होने वाली कंडीशंस बीमारियां, ये भी कंटेजियस होती हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है जो कि हाथ से, इंसान के पैर से या फिर इंसान के मुंह में से। जिस्म के इन तीनों हिस्सों में पैदा होने वाली जो कंडीशन जो बीमारियां होती हैं वो कंटेजियस होती हैं। लेकिन इन तीनों हिस्सों में पैदा होने वाली सारी कंडीशन कंटेजियस नहीं होती है, इनमें से कुछ कंडीशन कंटेजियस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट एक पर्टूसिस। इस कंडीशन के अलामत में खांसी है जो कि बहुत ज्यादा जोर से खांसी इंसान करता है। इस कंडीशन के तौर पर जो खांसी होती है काफी जोरदार होती है, इसकी आवाज भी काफी अजीब होती है जिसको वूपिंग कॉफ कहा जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि कंटेजियस हो सकती है, छूत होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है, उसको सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी STI कहा जाता है। जिस्मानी ताल्लुक से पैदा होने वाले इन्फेक्शन जो एक इंसान से दूसरे इंसान को आसानी से लग सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो MRSA है। ये कंडीशन एक बैक्टीरिया के रूप में पैदा होती है। इस कंडीशन का दूसरा नाम सुपर बग है। नेक्स्ट जो कंडीशन है जो कि कंटीजियस होती है और ये काफी कॉमन कंडीशन है, इंसान में आम पाई जाती है, वो है ट्यूबरक्लोसिस जिसको आम जुबान में TB कहा जाता है।